आपको मैं बता रही हूँ इरिटेशन का रीज़न। सुबह से मैं ढंग का ब्लॉग नहीं की हूँ, ढंग का ब्लॉग क्या मैंने उठाया ही नहीं अच्छे से, मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स हैपनिंग। एक तो गर्मी जान दीजिए, वो मैंने 10 बार बोला हुआ है, 1000 बार बोला हुआ है, ऊपर से 2 दिन के लिए पानी नहीं आएगा। तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि खाना पीना बंद हो गया या पीने को पानी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता है ना रेगुलर रनिंग वाटर का अगर स्टॉपेज है तो आपको इरिटेशन दिमाग में लगा रहता है। एक रूम में काम करते करते इतना बोर हो जाते हैं, गर्मी भी होती है, तो हम फिर अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा रहे हैं अपने रूम, देखते उधर कितनी देर काम हो पाती है। अश्विनी ने मेरा पहला फ़ोन, मेरा पहला अर्निंग के फ़ोन को मार डाला। ये मत देखिए कवर है, इट्स ऑल चिक। तो कल अश्विनी ने एट लास्ट दूसरे वाले फ़ोन में जिससे मैं अभी ये वीडियो कर रही हूँ उसमें सिम डाल दिया है, एंड देर इज़ नो सिम इन दिस। अश्विनी बोल रहे हो तुमको इसके साथ ज़िंदगी भर नहीं बिताना था, लेकिन पहला फ़ोन तो पहला ही फ़ोन होता है ना, तो इसको हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे अश्विनी, यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? हाँ अच्छा, में जो ये डाल लेते हो, हाँ सामने आग लग जाएगा फिर भी ये देखते रह जाओगे, जान दो। हेलो पीपल, सो दिस इज सम राइस नूडल जो मैं खा रही हूँ। मैंने अलग से सब्जियों को थोड़े से सॉस में, ब्लैक पेपर और सॉल्ट में थोड़ा सा टॉस कर लिया था, और मैंने इस नूडल को मैंने बस बॉयल पानी में रखा था थोड़ी देर के लिए, एंड देन आई जस्ट मिक्स्ड इट विद द वेजीज, एंड मत पूछिए दिस इज़ ड्राई फिश। आई वाज क्रेविंग सम ड्राई फिश, आई जस्ट फ्राइड इट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शुरू कर रही हूँ, आज का दिन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ जो कि पोहा था, और साथ में अश्विनी कुछ काम कर रहे थे तो उनके साथ थोड़ी देर बैठी थी, डिस्कस कर रही थी, एंड देन नाउ द वर्क इज़ ऑल अबाउट पुटिंग अप द कवर्स फॉर द कुशंस। बहुत 2 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था धुलने के बाद, तो सोच रही आज कर ही लेती हूँ। देखिए इतना सारा ऊपर का जो कवर है ये, फिर से बारिश शुरू हो गया आज, लग रहा अच्छे से ही होने वाला। अश्विनी पता नहीं कहाँ गए, ऑलरेडी लंच टाइम है लेकिन अश्विनी का एक कॉल चल रहा है तो मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। सोच रही हूँ एक रील शूट कर लेती हूँ, तो रील शूटिंग के बाद ये स्टेटस है क्योंकि हर एक चीज़ को प्रॉपरली दिखाना रहता है। तो अश्विनी पूछ रहे फीस्ट है क्या, बोले हाँ नॉर्मली डेज में तो हम एक ही प्लेट में थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेके आते हैं, तो मैंने ऐसे परोसने वाला रील शूट किया। खाने में है मछली, ये जो टारो स्टेम्स जो है, ये नीम बेगून लाइक ब्रिंजल लाइक द एग प्लांट विथ नीम पत्ता, एंड देन दिस इज व्हाट आई सेड, एंड अश्विनी के लिए वहाँ अंडा और चिकन है। तिलक हो गया इसका क्यों, अब जो वो है कुछ रीजन पता चला नहीं, क्या सीरीज देखा, मतलब आज ऐसा लग रहा है आज संडे है, और मतलब एक के बाद एक 3 एपिसोड शायद हम देख लिए। इट्स ऑसम ऑसम सीरीज, निर्मल पाठक की घर वापसी, आई जस्ट लव्ड इट, मतलब इतना अच्छे से दिखाया है ना सब कुछ। मम्मी चाची सब बैठ के ये पे देख रहे थे, अब जाके हमने बोला थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, नेक्स्ट फिर से देखेंगे थोड़ी देर में। अश्विनी कॉफ़ी बनाने का, आई विल हैव सम कॉफी, आज ऐसा लग रहा है सच में संडे है, मन ही नहीं कर रहा। हाँ वीडियो आत्मनिर्भर, हाँ पहला वीडियो खुद का पानी खुद को, खुद का पानी खुद को, ओ
सैशे तो खोलो पहले, देखो तो सही क्या है। पुड़िया? पुड़िया। देखो। बोलो जुबा केसरी। जुबा ये चीज देखो जरा, नाटक है, नाटक बहुत बहुत नाटक है। मुझे लगता है एक पैकेट में एक ही बदलेगा मेरे लिए वो स्ट्रॉन्ग। हाँ फिल्टर कॉफी का, वही तो बोला। छत पे आए थे ठंडा होने, ऐसे दिमाग में गोल, ऐसे दिमाग में गोल गोल काम चल रहा है कि मैं ठंडा नहीं हो पा रही और मेरे को गर्मी हो रही है एंग्जाइटी से। सुनो सुनो, ऐसे रील स्क्रॉल करना बंद कर दो ज़िंदगी में। देखो बच्ची ने साइकिल सीख लिया लेकिन मैं नहीं सीखी अभी तक, शर्मनाक बात है। सुनो ये जगह कौन, कोई साफ कर लेगा तो क्या जाएगा किसी का? तो वो उसका है, उसका ना करे वो उसकी मर्जी। क्यों वो नहीं करता है? इतना सुंदर तालाब, वहाँ पे बैठ के ये वाले घर के यहाँ पे बैठ के अपना काम वाम करते हैं, मतलब बर्तन धोते हैं कि सब कुछ करते हैं। ये जगह को पता नहीं क्यों इतना कचरा बना के रखा है, क्या करें? हर जगह का दिमाग लगाएं तो क्या होगा? अश्विन थोड़ा नेचुरल लाइट का चेहरा दिखा, ऐसे यहाँ पे फुंसी हुई है। हट। मैं चली। ये वाले अब छोटे बैग में और ये वाले बैग में लाइक लिटरली इतने गंदे से ज्वेलरी स्टैक किए हुए हैं ना, ये तो फिर भी बेटर है। इसके अंदर मैं ट्रैवल के लिए ले गई थी, प्लस अलमारी के अंदर कुछ है, तो मैं आज ये करने वाली हूँ। कब करूँगी पता नहीं मैं इसको अच्छे से, क्योंकि मेरे ज्वेलरी सारे जब तक वार्डरोब नहीं है तब तक सारे इसी में रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कब करूँ, लेकिन पहले मुझे आज का ब्लॉग अपडेट करना है। अब हुई ना, इतने में मैं आ जाऊंगी।